जज्बा, जुनून और संघर्ष क्या होता है, ये देखना हो तो हरियाणा के भिवानी जिले के छोटे से गांव अलखपुरा आइए। इस गांव की बेटियां तमाम अभावों और परेशानियों के बावजूद आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हैं और फुटबॉल की किक से दुनिया नाप रही हैं। जी हाँ, क्या आपने कभी भारत के किसी गांव की ऐसी तस्वीर देखी है जहां बच्चे, जवान, अधेड़ सब फुटबॉल के दीवाने हैं। सलवार सूट घाघरे में इन महिलाओं को किक मारते देखे, जोश में कोई कमी नहीं। इसलिए ही तो इस गांव को मिनी ब्राजील भी कहा जाता है, क्योंकि इस गांव की सुबह भी किक से शुरू होती है और रात भी किक पर ही खत्म होती है। गांव की इसी दीवानगी के चलते प्रदेश सरकार ने यहां अलग से दो फुटबॉल कोच भी नियुक्त किए हैं। लड़कियों ने इतने ज्यादातर बढ़िया खेले हैं कि नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर हमारे गांव में। अब इसे फुटबॉल को लेकर पूरे गांव का दीवानापन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, लेकिन चलिए हम आपको फ्लैश बैक भी लिए चलते हैं और ये बताते हैं आखिर इस गाँव में ऐसी कौन सी हवा चली कि पूरे गाँव के बच्चों को फुटबॉल का दीवाना बना दिया। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 2009 से। इस गांव की 11 लड़कियों ने टीम बनाकर गांव के ही स्कूल में फुटबॉल खेलना शुरू किया तो उनके पीटीआई शिक्षक गोवर्धन शर्मा ने नोटिस किया। लड़कियों के टैलेंट को देखकर उन्होंने फुटबॉल खेलती लड़कियों की प्रैक्टिस पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो गाँव की छोरियों ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल झटक लिया। तो फिर क्या था, उस मेडल ने अलखपुर गांव के बच्चों में ऐसी अलख जगाई कि आज इस गांव ने करीब 200 राष्ट्रीय खिलाड़ियों की फौज तैयार कर दी है जिसमें ज्यादातर लड़कियां हैं। अभी आप देख रहे होंगे ग्राउंड में कि जिस बच्चे को ये भी नहीं पता कि घर कहाँ कैसे क्या है वो भी ग्राउंड पे है और 22-23 साल तक की लड़कियाँ ग्राउंड पे आ रही हैं। तो और यहाँ पे हर रोज 200 से 250 लड़कियां प्रैक्टिस करती हैं, तो इसलिए इसको मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है। इस छोटे से गांव की मिट्टी फुटबॉल के लिए इतनी उपजाऊ है कि संजू यादव, रितु समीक्षा जाखड़, दीपिका समौता, मुनेश राव, मंजू कसवा, पूनम शर्मा जैसे 2 दर्जन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहां पर तैयार हुए हैं। खेलो इंडिया अंडर 17 और अंडर 21 में इस गाँव की 12 लड़कियों ने टीम में जगह बनाई है। आज यहाँ की करीब 8 छोरियाँ भारत फुटबॉल टीम के सीनियर वर्ग और अंडर 17 में सिलेक्टेड हैं। यही नहीं, साल 2015-16 और साल 2016-17 में इस गांव की टीम ने सुब्रतो कप को भी अपने नाम किया है। लड़कियाँ हैं तो क्या हुआ, खेल के आगे बढ़ेंगी तभी तो नाम होगा बेटियों का। मेरा तो यही कहना है जी, लड़कियाँ और लड़कों में कोई फर्क नहीं आज के युग में। लड़कियाँ तो हर एक उसमें आगे चल रही हैं, हरेक क्षेत्र में आगे हैं, और हमारे गांव में तो विशेषकर ऐसी कोई सोच वाला आदमी नहीं होगा जो अपनी लड़कियों को बाहर ना भेजे। सोनिका बिजारनिया पिछले 6 सालों से इस गांव में महिला फुटबॉल कोच के रूप में कार्यरत हैं। सोनिका बताती हैं, गांव अलखपुरा के खेल मैदान में गांव-गांव के हर घर से लड़की यहाँ फुटबॉल खेलने जरूर आती है। गांव के खिलाड़ियों के लिए जब भी खेल के सामान जैसे जूते, ट्रैक सूट या बाकी सामान की ज़रूरत पड़ती है तो गांव के लोग चंदा इकट्ठा करते हैं। वहीं जब कोई खिलाड़ी मेडल जीतकर गांव लौटता है तो पूरे गांव में जश्न मनाया जाता है, क्योंकि यहां मेडल आया तो समझो दिन बदल गए। ये देखो कि 14 साल की लड़की अंडर 14 खेल के आई है, जो लड़की उसको 50,000 रुपये महीने का मिल रहा है, नेशनल में वो जीतने में 50,000 मिल रहा है। 14 साल की लड़की कैसे 50,000 कमा सकती है, मगर फुटबॉल खेल के 14 साल की लड़की 50,000 कमा रही है। हमारे गांव में 50,000 से लेके 5,00,000 तक का एक बच्चे का स्कॉलरशिप है, जो सीनियर इंडिया खेल ली है, सैफ गेम खेल ली, साउथ एशियन गेम्स जो खेल ली है, उनकी 5-5 लाख रुपये स्कॉलरशिप आ रही है। इस गांव की लड़कियों ने फुटबॉल खेलकर मेडल ही नहीं सरकारी नौकरियां भी हासिल की है। सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ पॉलिसी के तहत यहां के कई खिलाड़ी सरकारी विभागों में कार्यरत हैं। करुणा और ज्योति फिलहाल इन 200 खिलाड़ियों में से एक है जो अपने सीनियर्स की तरह राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में जगह बनाना चाहती हैं। ये अपनी सहेलियों के साथ सुबह से लेकर शाम तक गाँव के ग्राउंड में अपना पसीना बहा रही हैं। मेरा एम ये है कि मैं कंटिन्यू सीनियर इंडिया खेलूँ, वो सीनियर इंडिया
प्लेइंग क्रू इंडिया टीम में, मेरा एम ये कि और मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँ। मैं नेशनल प्लेयर हूँ, अभी 2018-19 की यूनिवर्सिटी गेम्स में ऑल इंडिया में गोल्ड मेडल और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया है। हम कोशिश करेंगे कि जो नेशनल गेम्स होंगे उसके लिए हमारी टीम सेलेक्ट हो और उस वहाँ से गोल्ड मेडल लेकर आए। इस गांव के छोरियों का फुटबॉल से दिल लगी देख, अब दिल कहता है हरियाणा सिर्फ बॉक्सिंग और कुश्ती में ही नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान में भी दुनिया भर में झंडे गाड़ने वाला है। यकीनन ये सपना बहुत बड़ा है, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन एक उम्मीद है एक दिन पूरी दुनिया इन हरियाणवी छोरियों के किक्स की दीवानी होने वाली है। यहाँ की हर छोरी की दुनिया नेट वाला गोल है और इनका गोल इंटरनेशनल फुटबॉल है। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।